10 साल पहले वहाँ इंसानी कदम पड़ा था, अब तो वो जंगल है। आप वहाँ जाओगे तो जिंदा लौट के नहीं आ पाओगे। वैसा तो वो अमृत कुंड है, लेकिन वो मौत का रास्ता है। क्या आप अमर होना चाहते हैं? क्या आपके दिल में भी यही तमन्ना है कि आप एक लंबी उम्र तक जीते रहें? वेल, ऐसा कौन नहीं चाहता। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और इस वक्त जिस पहाड़ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर एक ऐसा अमृत कुंड है जो आपको सदा के लिए अमर बना सकता है। कोई कहता है तो हम मानते नहीं और परखे बिना किसी कहानी को छोड़ते नहीं, लेकिन ये दावा नहीं खतरों का जाल था, ये पड़ताल नहीं जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ था। लोगों ने कहा इस पहाड़ के गर्भ में अमृत का एक कुंड है, तो रहस्य सुलझाने हम पहाड़ के सीने पर चढ़ गए जहां सामना हुआ नाग सेना से। जब चट्टानों का सीना चीर कर पर्वत के अंदर दाखिल हुए तो एक एक सांस के लिए तरस कर रह गए। इतना सब झेलने के बाद जब कुंड के पास पहुंचे तो आज देखिए एक ऐसा साक्ष्य जो पौराणिक पहेली को सुलझाएगा। आज चलते हैं एक ऐसी जगह जो कलयुग में त्रेता युग की याद दिलाएगी। आज परखते हैं एक ऐसे दावे को जिसकी पड़ताल देख आप कांप उठेंगे। आधी हकीकत आधा फसाना। अमृत कुंड मतलब एक ऐसा तालाब जिसके पानी में अमृत है। सुनकर कोई भी हंस दे, आज के समय में अमृत की बात कौन करता है, ये तो पौराणिक कथाओं में सुनी जाने वाली चीज है, हकीकत से इसका कोई नाता नहीं। तो जानते हैं क्या हुआ। उस पहाड़ के अंदर कुंड में अमृत है ऐसा दावा करने वालों ने एक साथ 3 सबूत पेश किए। पहला, कोई जल स्रोत नहीं है फिर भी पहाड़ के अंदर जलधारा बहती है। दूसरा, उस जलधारा के आसपास काफी हरियाली है। और तीसरा सबूत है नागों की सेना जो उस कुंड की रक्षा में 24 घंटे तैनात रहती है ताकि कोई इंसान कुंड तक नहीं पहुंच पाए। मतलब रहस्य के 3 चक्रव्यूह भेदने के बाद उस अमृत कुंड की पहेली सुलझेगी। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर नामुमकिन भी होता तो हमारी टीम पहेली को सुलझाने की कोशिश जरूर करती। पौराणिक ग्रंथों में अमृत का जिक्र समुद्र मंथन में मिलता है, जब अमृत पीने के लिए देवताओं और दैत्यों में संग्राम छिड़ गया। युद्ध में अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिर गईं। उन 4 जगहों पर आज कुंभ मेला लगता है। क्या कोई 5वीं जगह भी है जहां अमृत की बूंद गिरी थी, जो आज दुनिया की नजरों से दूर इन जंगलों में कहीं छिपी है? कहीं उसी जगह को आदिवासी अमृत कुंड तो नहीं कहते? पता नहीं आज पौराणिक दुनिया की किसी अनजान जगह की खोज होगी या हम किसी अफवाह के शिकार हो जाएंगे। फिलहाल तो अमृत कुंड की तलाश में हमारी टीम इस समय छत्तीसगढ़ में धमतरी के जंगलों में भटक रही है। अब हमारी मंजिल थी मांदागिरी पर्वत, जिसके भीतर उस अमृत कुंड के होने का दावा किया जाता है। कहते हैं उस कुंड की रक्षा में एक नाग सेना हर वक्त मौजूद रहती है। हमारी टीम हमेशा स्थानीय लोगों को साथ लेकर चलती है।
लोग तो यही कहते हैं कि जो भी अमृत कुंड की तलाश में निकलता है परेशानियों से घिर जाता है। तो क्या ये मुसीबतों का आगाज था? पता नहीं अब आगे क्या होगा। अब तो गांव वालों का ही सहारा था। गांव में कोई उत्सव चल रहा था, लोग व्यस्त थे। लोगों से उस अमृत कुंड की अलग कहानी पता चली जो बेहद चौंका देने वाली निकली। मांदागिरी पर्वत पर एक धाम है, वहीं से कुंड का रास्ता जाता है। पहले लोग वहां जाते थे, अचानक उस इलाके में सांपों की भरमार हो गई, कई लोग मारे गए। फिर खौफ में लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया। पिछले 20 साल में किसी ने पहाड़ पर कदम भी नहीं रखा। देखिए, अमृत कुंड का पता जानने वाले मुश्किल से 4 या 5 लोग हैं जिनको पता है, क्योंकि और कोई वहां तक गया नहीं है। तो उनमें से एक इस घर में रहते हैं। आइए कोशिश करते हैं कि उनसे हमारी मुलाकात हो सके, पता चल सके। हम एक को तलाश रहे थे, 2 मिले, लेकिन समस्या अब भी बरकरार थी। अमृत कुंड है या नहीं है? अमृत कुंड तक तो हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं हैं। अच्छा, आप भी नहीं पहुंच पाए थे? हाँ। मुझे लगा आप लोग अमृत कुंड तक गए थे। अमृत कुंड आप भी नहीं पहुंचे? नहीं, हम इसलिए नहीं पहुंच पाए वहाँ पे अमृत कुंड में कि रास्ते में हम जैसे जाते थे तो आगे सर्प आता था और कोई जंगली जानवर का आवाज आता था, इससे घबरा के हम वापस लौट के आ गए। अच्छा जी, किस तरह की गुफा है वहाँ पर जो जिसमें अमृत कुंड की बात होती है, वो गुफा किस तरह की है? बहुत बड़ी गुफा है, उसके बाद नीचे की तरह सुरंग है, सुरंग के अंदर से जाना पड़ता है। वो लेट के बैठ के खड़ा तो हो ही नहीं पाएंगे बिल्कुल। अच्छा, इतनी तंग गुफा है? तंग गुफा है बिल्कुल, मतलब खड़ा होने की जगह नहीं, खड़ा होने की जगह ही नहीं वहाँ पे बिल्कुल। ये दोनों कुंड तक नहीं गए, लेकिन इन्हें वहां जाने का रास्ता मालूम है। हमने साथ चलने के लिए कहा। मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं एक बार फर्स्ट टाइम गया था, वो मेरा लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे आवाज कभी मैंने अपने कानों से कभी सुना नहीं है जिस तरह की आवाज मैंने सुना है। और आपको अगर जाना है तो आप जाइए, मेरे कोई तकलीफ, लेकिन ये है कि अगर जाओगे तो वापस नहीं आओगे। क्या है, ले चलते हैं, दिल्ली से टीम आया हुआ है, न्यूज़ 18 का, जिस जगह से भी आया हमसे कोई लेने देने नहीं, जान बहुत बड़ी चीज है और हम जाने नहीं देंगे। बड़ी चीज है और मेरी वजह से इन दोनों में भी बहस शुरू हो गई कि जाए या ना जाए, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। थोड़ी बहस और कुछ मान मनोवल के बाद दोनों गांव वाले साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अब रास्ता भी मालूम था, मंजिल भी सामने थी। क्या लग रहा है, हमारी मुसीबतों का अंत हो गया? नहीं, ये तो बस शुरुआत भर थी, आगे तो खतरों का समंदर था और हमारी टीम को तैर कर जाना था। आधी हकीकत आधा फसाना। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब अमृत के वजूद पर ही विश्वास नहीं है तो हम दावे की पड़ताल क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह है हमारे पौराणिक ग्रंथ। कई ग्रंथों में अमृत का जिक्र है। अगर इससे जुड़ा कोई दावा सामने आता है तो पड़ताल की पहली जिम्मेदारी हमारी बनती है। अगर अमृत नहीं मिला, दावे के मुताबिक तस्वीर भी मिल गई, तो यह भी किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। पहाड़, पहाड़ पर नागों की सेना, पहाड़ के अंदर एक कुंड, ये सब चौंका देने वाला दावा था। हमारी टीम हर खतरे से निपट सकती है, ये सोचकर हम पहाड़ पर चले गए और यही जोश भारी पड़ गया। मुसीबतों के अजगर ने हमारी टीम को ऐसा लपेटा कि हम एक एक सांस के मोहताज हो गए। हमारी टीम दोनों गांव वालों के साथ मांदागिरी पहाड़ के रास्ते पर थी, जहां नागों के खौफ से गांव वालों ने जाना छोड़ दिया है, लेकिन अमृत कुंड की तलाश हमें खींच लाई। तो मांदागिरी पर्वत तक हम पहुंच चुके हैं और ऐसा शायद पहली बार होगा कि दसियों बीसियों साल में कोई भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगा। मैंने आपको बताया
कि खतरे यहाँ पर बहुत हैं, जंगली जानवर है, नक्सल मूवमेंट है, और जैसा यहाँ पर कहा जाता है कि सांप बिच्छुओं का एक ऐसा डेरा है जिसमें एक कदम रखना भी खतरा मोल लेने के बराबर है। लेकिन मेरे साथ ये दोनों साथी हैं, दोनों एक बार पहले इस पर्वत तक जा चुके हैं, अमृत कुंड तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज हिम्मत करके दोनों साथ हैं। आप दोनों चलेंगे मेरे साथ ऊपर, तो आइए वो सफर शुरू करते हैं जिसका आपको और हमको बेसब्री से इंतजार है। चलिए। तभी हमारा ध्यान गेट पर गया। यहां गौतम ऋषि का नाम लिखा था। इसके बारे में गांव वालों से पूछा तो एक नई बात पता चली। कहते हैं पौराणिक काल में गौतम ऋषि का एक आश्रम यहीं ऊपर पहाड़ों में था। वहां आज एक मंदिर है। गौतम ऋषि मतलब अहिल्या, और अहिल्या की कहानी जुड़ती है श्रीराम से, जिन्होंने त्रेता युग में अहिल्या को श्राप से मुक्ति दी थी। तो क्या श्रीराम भी कभी इस इलाके में आए थे? अगर ऐसा हुआ तो शायद रामायण से जुड़ी एक बड़ी निशानी आज दुनिया के सामने होगी। फिलहाल तो हम शिखर की तरफ जा रहे थे। गांव वाले पेड़ के नीचे बैठ गए। यहां एक शिवलिंग था। तभी एक गांव वाले ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ आगे नाग लोग चालू होता है और आगे जाना बहुत खतरे से खाली है। मिल गया जो आगे मिल नहीं, गया मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि हर एक दो कदम में यहाँ आपको देखिए, आपको अगर जाना है तो आप जाइए, मैं यहाँ से वापस घर जा रहा हूँ। जहरीले सांपों के खौफ से एक पीछे हटा तो दूसरे गांव वाले की हिम्मत भी जवाब दे गई। मैं वापस जा रहा हूँ। देख भाई, अगर आपको जाना है तो आप इनके साथ जाइए। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मेरा साथी कहाँ जा रहा है? मैं नहीं जाता भैया, मैं नहीं जाता। अरे मैं कोई बात नहीं, तुम चलो ना, हम दोनों चल लेंगे। अब क्या करें, पीछे तो नहीं हट सकते। अब हम अकेले ही अमृत कुंड की तलाश करें, जो होगा देखा जाएगा। जो डर मुझे सता रहा था ना, फाइनली वही हो गया। इन लोगों ने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया आगे जाने से, और अब वाकई कोई अंदाज़ा नहीं है कि ऊपर कहाँ जाना है, कहाँ पर वो अमृत कुंड है, और किस तरह से अब और ऊपर जाएंगे। मतलब एक तरह से बिल्कुल प्रॉब्लम में ला के फंसा दिया है। अब कुछ नहीं पता है कि आगे क्या करना है और कैसे करना है, बट जाऊँगा तो ज़रूर। गांव वाले भी क्या करें, कुछ हुआ होगा तभी ऊपर जाने से डर रहे थे। वजह तो वहां जाने पर ही समझ में आएगी। चलिए देखते हैं। कुछ देर बाद हम मंदागिरी पर्वत की चोटी पर थे। गौतम ऋषि के आश्रम तक, या यूं कहूं कि उस अमृत कुंड तक पहुंचने का जो मेरा रास्ता है, उसका आधा करीबन मैंने कवर कर लिया है। जो दो लोग मेरे साथ थे वो आपने देखा डर की वजह से यहाँ से लौट गए। प्रॉब्लम मुझे भी जंगली जानवरों से नहीं है। जंगली जानवर तो इंसान फेस कर सकता है, क्योंकि पता है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। प्रॉब्लम है कि पूरा एरिया नक्सल एरिया है, और इस पहाड़ पर दसियों साल से इसी डर से किसी ने कदम नहीं रखा, इसलिए मुझे पता नहीं कि आगे मुझे क्या मिलने वाला है। कदम रखते ही सामने गौतम ऋषि का आश्रम मिला। ये जगह बताती है कि गांव वाले कभी यहां आया करते थे, अब किसी के कदम नहीं पड़ते। तब से ये जगह सुनसान है। तो ये मंदागिरी पर्वत का बिल्कुल टॉप है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर लोग आया जाया करते थे, लेकिन उसके बाद सब बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। क्या वजह रही? क्या सांपों की वजह से लोगों ने आना बंद कर दिया, या फिर नक्सलियों की वजह से लोगों ने आना बंद कर दिया, या फिर अमृत कुंड में अमृत मिला ही नहीं लोगों को? सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए मुझे खुद पहले उस कुंड को तलाशना पड़ेगा जो इस पहाड़ में कहीं पर छुपा हुआ है।
यहाँ अहिल्या की कुटिया भी थी, प्रतीक के तौर पर श्री राम और लक्ष्मण की मूर्तियां भी थी। राम के नाम ने हमारे कदमों को रोक लिया। कुछ देर रुकना चाहते थे, लेकिन खतरे की एक आहट ने जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। एक चीज आप नोट करिए, यहां ऊपर चमगादड़ रहते हैं और उनकी ड्रॉपिंग्स यहां पर मौजूद है लगातार, और गांव वालों से जो हमने बात की है और पुलिस से जो बात की है उसके मुताबिक करीबन 10-20 साल से यहाँ पर किसी का भी आना जाना नहीं है, कोई भी यहाँ पर नहीं आता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन ड्रॉपिंग्स का ढेर लग जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ड्रॉपिंग्स साफ की जाती हैं और वहाँ पर जमा की जाती हैं। आप इस मूर्ति को भी देखेंगे तो भी आपको ये ध्यान देगा कि इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं है, वरना दसियों बीसियों साल से अगर एक मूर्ति खुले में इस तरह से मौजूद होती तो उस पर ना जाने कितनी मिट्टी जम गई होती, लेकिन इस पर मिट्टी बहुत थोड़ी सी है, जैसे अभी चंद दिन पहले इसको साफ किया गया हो। उसके अलावा अगरबत्ती के भी यहाँ पर निशान मौजूद हैं, जैसे अगरबत्ती जलाई गई है, बहुत रिसेंटली यहाँ पर अगरबत्ती जलाई गई है, और ये सारी चीज़ें चिंता की वजह हैं। अब आप पूछेंगे चिंता की क्यों, मतलब कोई आता है? गांव वाला कोई नहीं आता। पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक दसियों बीसियों साल से यहाँ पर कोई नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पर नक्सल मूवमेंट है, नक्सली लोग यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, रुकते हैं, यहाँ की साफ सफाई करते हैं, और हो सकता है ये उनका ठिकाना भी हो। मतलब अब बहुत देर यहाँ पर नहीं रुक सकते, अमृत कुंड को तलाशते हैं और यहाँ से निकलते हैं। आश्रम से आगे सावधान रहना, सांपों का इलाका शुरू होता है। गांव वालों ने कई नसीहतें दी थी, हमें तो कुछ नहीं दिखा, हमारी निगाहें तो पहाड़ के अंदर जाने का रास्ता तलाश रही थी। हमारी टीम झाड़ियों की तरफ बढ़ी, तभी दूर टहनी पर कुछ हिलता नजर आया। क्या ये सांप था? नजदीक पहुंचे तो कुछ नहीं मिला, शायद नागलोक की कहानियों ने दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया था। हम तो कुंड जाने का रास्ता खोज रहे थे। देखिए, उस अमृत कुंड की जो निशानी मुझे बताई गई थी वो ये था कि इस तरह से पत्थरों पर कुछ लोगों ने पेंट बना दिया है, कुछ मार्क लगा दिया था ताकि पता चल जाए कि यहीं पर वो गुफा है जहां पर अमृत कुंड है। पत्थरों पर कुछ निशानियों की तलाश थी, लेकिन हमें कुछ और दिखा। ये तो एक कोबरा नाग था। सांप शायद रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हम दूसरे रास्ते से आगे बढ़े, अभी चंद कदम ही चल पाए थे कि एक और नाग हमारी राह में रेंग रहा था। ओह, पीछे रहो, पीछे रहो, क्रेट है ये, क्रेट। ओह गॉड, ये दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक होता है और इसका जहर चंद मिनटों में इंसान को खत्म कर देता है। देखिए, जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे लगा था ये सिर्फ कहानियाँ हैं कि यहाँ पर इतने खतरनाक सांप हैं और ये नागलोक है, लेकिन वाकई में यहाँ पर इस तरह के नाग देख के मेरी खुद हालत अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप खतरे में जा रहे हैं, आप खुद मौत के मुंह में जा रहे हैं। क्रेट का डसा कभी भी बचता नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, और यहाँ से तो मैं आबादी से इतनी दूर हूँ कि मैं शायद ही हॉस्पिटल की शक्ल देख पाऊँगा, और अगर इस तरह के सांप अंदर हुए गुफा में तो अंधेरे में ये खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। खतरा मोल नहीं ले सकते, हमने फिर रास्ता बदला, एक बार फिर नीचे झाड़ियों की तरफ बढ़े। पिछले 10 मिनट में दो सांपों से सामना हो चुका था, दोनों बेहद जहरीले, खतरनाक। सब कुछ हमारी सोच के उलट हो रहा था।
अब हर कदम बेहद सधा हुआ, सजग, पता नहीं कहां सांपों से सामना हो जाए। ये क्या हो रहा था? एक और नाग डाली से लटक रहा था। गांव वालों की सभी नसीहतें याद आने लगी। आपको एक ही प्रजाति के सांप कहीं पर मिलेंगे, लेकिन इस पहाड़ में तो इतनी प्रजातियों के सांप मैंने अभी तक देख लिए हैं जिनके बारे में मैं खुद भी नहीं जानता। मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मेरा तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, और क्योंकि ट्रैवल करता हूं, लेकिन यहां पर मैंने कोबरा भी देख लिया, क्रेट भी देख लिया, और दसियों तरह के और सांप भी यहाँ पर देख लिए। मतलब ये कमाल है अपने आप में, वरना ऐसा नहीं होता। अमूमन एक या दो प्रजाति के सांप आसपास रहते हैं, उसके अलावा बाकी सांप वहाँ पर नहीं रहते, लेकिन यहाँ तो हर वैरायटी का, हर तरह का। अब ये सांप जो आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, मतलब यहाँ पर सांपों का प्रजनन भी है, अंडे भी हैं, इसीलिए सांपों की फैमिलीज भी है। देखिए इसने अपना हुड फैला दिया, अपना जो वो फन फैलाता है वो फैला दिया है, मतलब ये मुझसे खतरा महसूस कर रहा है, और जब ये खतरा महसूस कर रहा है तो मैं भी खतरे में हूं। हो सकता है संयोग हो, पहाड़ में सांपों का बसेरा भी हो सकता है। गांव वाले भी तो यही कह रहे थे, जहां कुंड है वहां नागलोक है। सांपों से सामना हो गया, पता नहीं पहाड़ के अंदर जाने का रास्ता कहां से मिलेगा। गांव वालों ने कहा था एक जगह निशान मिलेगा, कहां मिलेगा ये नहीं बताया था। तभी पत्थरों पर तीर का एक निशान दिखा। अब यहां पर दीवार पर सिर्फ एक ही एरो का निशान बना हुआ है, ये एक एरो का निशान बना हुआ है, जिससे पता लग रहा है कि यहां पर कुछ है जो लोगों ने मार्क आउट किया है कि यहां कुछ है। अब यहां क्या है नहीं पता, सिवाय इसके कि हम एक अंधेरी गुफा में उतर रहे हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, और जहाँ से वापस आने का हमको कोई अता पता नहीं है कि हम वापस आ भी पाएंगे या नहीं। बिना कुछ जाने समझे हमारी टीम अमृत कुंड की तलाश में एक अंधेरी गुफा में घुस गई। आधी हकीकत आधा फसाना, जो आप सोच रहे हैं वही हमारी टीम को भी लग रहा था। पहाड़ चढ़ गए, सांपों से सामना हो गया, गुफा में घुस गए, अब एक कुंड मिल जाएगा और कहानी खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जहरीले नाग से भी बड़ा खतरा गुफा के अंदर था। कुंड के लिए कोई रास्ता नहीं था। कभी दो चट्टानों के बीच फंसे, कभी पतली दरारों में सांस अटकी। इन्हीं मुसीबतों की वजह से गांव वालों ने आना छोड़ दिया था। लेकिन हमें तो हर कीमत पर कुंड तक पहुंचना था। अगर कोई कुंड मिल भी गया तो ये कैसे साबित करेंगे कि उसमें अमृत है? फिर सोचा अंदर चलते हैं, पहले कुंड को खोजते हैं, फिर देखते हैं कहानी किस मोड़ पर खत्म होती है। गांव वालों ने कहा था अमृत कुंड का रास्ता बेहद तंग है, लेकिन इतना तंग यहां तो खड़े होने की भी जगह नहीं। आप समझिए यहां पर इस तरह से हाथ टेक के चलना पड़ रहा हो, और जहां पर आपको पता है कि हर तरफ सांप है, वहां पर जरा भी अगर सांप की सरसराहट सुनाई दे तो जान हलक में आ जाएगी, आप कुछ कर ही नहीं सकते। जितनी बड़ी खोज उतनी बड़ी चुनौती। अंदर घुसते ही गुफा ने घुटने के बल बैठा दिया, फिर रेंगने के हालात पैदा हो गए। अब इतना भी स्पेस नहीं है कि आप घुटनों के बल चल सकें, क्योंकि पत्थर जो है वो ठीक सर के ऊपर है, जरा सी गलती जो है आपको हमेशा के लिए यहीं पर रहना पड़ जाएगा। मुझे पूरा रगड़ के चलना पड़ रहा है ताकि मैं क्रॉस कर सकूं। आगे का रास्ता और तंग था, लेकिन तीर का निशान वही था जिसे गांव वालों ने बनाया हो। जरूर कुंड के लिए रास्ता वहीं से निकलेगा। विपिन,
वहाँ है रास्ता थोड़ा सा। अरे सर नहीं जा पाएंगे अंदर, समझे सांप काट लेगा तो। सांप की आवाज होगी, अरे होगी तो आ जाएंगे, तो निकल नहीं पा रहे यहाँ से। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा छोड़ दे सर। हो गया हो गया, आप नहीं जा पाएंगे। अगर सांप की आवाज आएगी तो वहाँ से वापस आ जाएंगे। नहीं 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 ठीक नहीं, एक बार सिर्फ एक बार आओ मेरे कहने से। अरे सर समझा करिए, दिक्कत आगे बहुत ज्यादा, सांप है। आओ ये रास्ता नहीं, दो चट्टानों के बीच की दरार थी जहां रेंगना भी मुश्किल था। अमृत कुंड की तलाश में मैं खुद अब एक ऐसे मैं फंस गया हूं जहां से मुझे लग नहीं रहा कि मैं सही सलामत निकल पाऊंगा। आगे बढ़ते बढ़ते गुफा की हालत ही हो गई कि अब रेंगना भी मुश्किल हो रहा है। और जाहिर है जब जिस जगह पर आप रेंग भी ना सकते हो वहां पर आपको खतरा तो होगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये छत जो है वो नीचे होती जा रही है। अब आप देखिए मेरे जिस्म रेंग कर भी निकलना यहाँ से मुश्किल हो गया है। पता नहीं मैंने अपने आप को कहाँ फंसा लिया, मैं यहाँ से निकल भी पाऊँगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये हर कदम के साथ और मुश्किल होता जा रहा है। दो चट्टानों के बीच फंस गए थे, पीछे भी नहीं जा सकते, अब आगे बढ़ना हमारी मजबूरी थी। दूसरी तरफ कुछ रोशनी लग रही है। हाँ देखो, हो सकता है उधर कोई रास्ता हो क्योंकि इतना लंबा वापस नहीं चल पाऊंगा। किसी को आवाज मारूं? आवाज किसको मारोगे, यहाँ पे मेरे तुम्हारे अलावा कौन है? आओ आते रहो, सांस धीमे धीमे लेना, आते रहो। अरे बाप रे कैसे कैमरा अड़ गया, मैं आता हूँ। बापा आप नहीं आ पाएंगे, कैमरा मुझे दो। आराम से पकड़ा, खेचो। आपका जरा सा जिद्दी बन रहा है, आपको इस तरह की मुश्किल में डाल। मैं इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि अमृत कुंड जो है मुझे मौत के मुंह तक ले जाएगा, लेकिन पता नहीं मैं यहाँ से निकल भी पाऊंगा या नहीं। रोशनी ने उम्मीद जगाई, जिंदा रहने के लिए इसे पार करना ही होगा। किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। दो घंटे में इस अंधेरी गुफा में था जहां पर सांस भी नहीं आ रहा। अभी थोड़ी सी ओपनिंग दिखाई दी है, आप बिलीव नहीं कर सकते कि इस वक्त यह हल्की सी रोशनी और इस हवा ने मुझे कितनी राहत दी है। जब खुलकर सांस ली तब जान में जान आई। यहां से जैसे ही आगे बढ़े अमृत कुंड सामने था, लेकिन आगे तो कोई रास्ता ही नहीं था। स्पॉट है और सामने लिखा हुआ, मतलब घंटों की मेहनत के बाद फाइनली अमृत कुंड लिखा हुआ दिखाई दे गया। आगे है कहीं पे, कहाँ है पता नहीं, आइए देखते हैं। राह में बड़ा पत्थर था, जाना नामुमकिन। फिर सोचा इस सुराख से शायद कुछ अंदर कुंड की तस्वीरें मिल जाएं। देखो कैमरा अगर अंदर लाओगे तो ही मैं दिखा पाऊंगा। कैमरा नहीं आ पाएगा, कोशिश जरा सा आप मुझे दे दो, मुझे दे दो कैमरा। देखिए पहले मैं आपको सिर्फ अमृत कुंड दिखा देता हूँ कहाँ है, पता नहीं आप तक पहुँचेगा भी या नहीं पहुँच पाएगा, मुझे नहीं पता। ये नहीं नहीं दिख पा रहा है, पता नहीं अंदर क्या है। जरूर पानी ही होगा, जिसका सबूत है ये पौधे जो पत्थरों से चिपके हुए थे। एक चीज मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि यहाँ पे पानी होगा जरूर, क्योंकि ये जो आप पौधे देख रहे हैं ना ये लिचन है, ये उस जगह पर होते हैं जहाँ पर पत्थर पर पानी होता है, मतलब नमी जहाँ पर होती है वहीं पर ये होते हैं। लेकिन अंदर कैसे झांके,
वो अमृत कुंड पास होकर भी दूर था। रास्ते में बड़ा पत्थर और देखने के लिए ये छोटी सी जगह। अब क्या करें? फिर हमने एक जुगाड़ लगाया। अमृतकंड की जगह इतनी छोटी है कि सिवाय हाथ के कैमरा भी नहीं जा रहा। फोन से कोशिश करता हूँ कि आपको वो कुंड दिखा सकूँ, वो छोटी सी जगह दिखा सकूँ, यहाँ पर शायद पानी जमा होता होगा। और मोबाइल कैमरे से जो हमने रिकॉर्ड किया वो फुटेज आपके सामने है। ये अंदर कुंड का नजारा है। एक पतली सी जगह है जहां रेत ही रेत है। रेत की मौजूदगी थोड़ी हैरान करती है। ये है छोटी सी जगह है, बिल्कुल छोटा सा एक कुंड है, और यहाँ रेत जो है ना वो भी कमाल का है। मतलब ऐसा रेत अमूमन नहीं होता कि यहाँ पर पानी मौजूद रहता है, इस बात की गवाही है। ये देखिए, ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है ना, ये लाइन पानी की लाइन है। मतलब यहाँ पर पानी खड़ा रहता है जो इस वक्त बिल्कुल सूखा हुआ है, वरना ये इस तरह की लाइंस ये जो बनी हुई है, ये सारी लाइंस बता रही हैं कि यहाँ पर पानी है। ये सरफेस हार्ड है, इसका मतलब यहाँ पर पानी है, और ये रेत है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये डिस्क्राइब करें कि जगह सूखी रही है। मतलब हमेशा यहाँ पर रेत रहा है, और ये पूरी जगह जो है बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक छोटा सा समुद्र होता है। ये रेत, ये निशान साबित करते हैं कि यहाँ पानी मौजूद रहता है। अभी सूख गया होगा, लेकिन पहाड़ के इतने अंदर केवल इस जगह पर रेत क्यों और कैसे है पता नहीं। पानी की धारा वहां ऊपर से आती होगी, जो ऊपर आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, ये लाइन जहाँ पर मैं अपनी उंगली ट्रेस कर रहा हूँ, उस लाइन से ये पानी होता हुआ यहाँ इस कुंड में जमा होता होगा, और इसीलिए इसको अमृत कुंड कहा जाता है। लेकिन अभी ये सिर्फ अमृत है, पानी है, पता नहीं अगर मिलता तो ही मैं आपको पीकर बता सकता, अगर मैं अमर हो जाता तो ये अमृत कुंड था, नहीं तो नॉर्मल पानी की धारा है। पता नहीं, कहना मुश्किल है, हमें तो सूखा ही मिला है। सोचा था कुंड के पानी को लैब भेजकर हकीकत का पता लगाएंगे, यहाँ तो सिर्फ रेत जो पानी की मौजूदगी का एक साक्ष्य हो सकता है। अब उसमें अमृत है या कोई खनिज तत्व, ये किसी को नहीं पता। हाँ, इतना जरूर है कि पूरे इलाके में सांप बहुत है, जिसका खौफ गांव वालों में दिखा था। सांपों का मिलना, पहाड़ के इतने अंदर पानी का बहना, जबकि आसपास कोई स्रोत भी नहीं है, जब इतने सारे इत्तेफाक एक साथ मिलेंगे तो चमत्कार